परंपरा है। कांग्रेस की भूमिका आलाकमान तय करता है। प्रदेश के सुशासन का माहौल बना है और विपरीत हालात के बावजूद विकास के पथ पर प्रदेश चल रहा है। उपचुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। जनता ने सरकार के सुशासन पर मुहर लगाई है। आगे सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस विश्वास को बनाए रखेंगे, 2023 में जीत करके फिर से सरकार बनाएंगे। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। इसलिए हर कांग्रेस ने जितवाए हैं, केवल समय है, कार्यकर्ता है, ये सोचा प्रदेश होगा हमारे जिला या हमारे गाँव, हम सब उनका सर आ रहा है। एक बार फैसला हो जाए हाईकमांड का, कोई हमारी ताकत नहीं है। लास्ट पैंतालीस साल देखे, 50 साल देख रहे होंगे, दो साल बाकी होंगे। इंदिरा जी के मैंने देखता हूँ कि जो कांग्रेस का हाईकमांड फैसला करता है, नीचे तक उसको स्वीकार करता है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक बार मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कैसे लागू करें, अपने जीवन जिम्मेवारी निभाएं और योगदान करें, सुशासन देंगे, सरकार वापस आए। ये जो माहौल बना है इस बात से, सिर्फ आपका ख्याल बना है, इस प्रकार के जो मैंने ये सब लोगों ने कार्यकर्ता ने करी है, विधायकों ने करी है, मंत्रियों ने करी है, सबके निर्णय से, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई और चुनौती आई हो, कोई कमी नहीं रही है। प्रदेशवासियों साथ लेकर हम चले हैं, इसीलिए आप बाई इलेक्शन में भी आपने 6 बाई इलेक्शन जीते हो। अभी तो उनका टुकड़े साफ हो गया, जमान जब होगी तीसरे नंबर पर किस रूप में रहते हैं, चिंता करते हुए भविष्य की और कितनी एक्सरसाइज की होगी, किस रूप में की होगी। महिलाएं भी आए, एससी भी आए, एसटी का भी भागीदारी।